भाई और बहनों, माइनक्राफ्ट में आ चुका है एक नया अपडेट 1.17.10.20। और ये वाला अपडेट है एक नए, मतलब बहुत सारे नए मॉब्स और नए स्किल्स यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप, सिर्फ मेरी मुंडी दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ये भी एक अपडेट का हिस्सा ही है। तो फिर सबसे पहले बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आयरन ओर, और ये उसके बाद ये बदला से बहुत क्या कहते हैं उसे, गोल गोल सा हो चुका है। उसके बाद एक गोल्ड ओर, फिर हमारा प्यारा डायमंड ओर, ये भी थोड़ा बहुत चेंज चुका है अगर आपने तुमने नजदीक से देखा होगा तो। ये फिर ये रेड ओर, फिर ये कॉपर ओर है जो कि बहुत नई चीज है, और ये डार्क में मिलता है हमारे सारे ओर, मतलब हो गए ये गोल्ड ओर है। अब ये रे डार्क आयरन डिपस्टेट होते कहते हैं, और इस पे चलने की मतलब आप ये नॉर्मल बॉक्स पे देखो, आप कुछ साउंड नहीं होता अच्छे से, इस पे देखो आप ऐसे, जैसे कि मैं कह रहा था कि इस पे चलने के बाद एकदम से हार्ड फीलिंग आती है। एक सेकेंड आप साउंड सुनो, एकदम बारीक साउंड आता है। और हाँ, सिर्फ आयरन और गोल्ड की ओर नहीं, उसके उसके उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिफरेंस और भी आए हैं। मतलब ये ब्लैक कलर में पाए जाते हैं और आई थिंक रेयर होते हैं, ये एमरल्ड ओर, ये कोल ओर, और ये डिप स्लेट कहते हैं आई थिंक उसे, डिप स्लेट कॉपर ओर। ये भी देखने में भाई बस अब बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखता है। और हाँ ऑफकोर्स, तो हम पहले अब बात करते हैं ब्लॉक्स के बारे में। तो ब्लॉक्स तो भाई साहब बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, उनमें स्पेशली ये है एक एंट एंट मिस ब्लॉक्स। इन्हें प्लेस करने पर बस साउंड सुनो क्या भाई भाई, और इन पर चलने में एकदम ऐसे क्रैकलिंग से साउंड आते, बहुत अच्छा होता है। देखा आपने, साउंड सुना बस, और ये काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और हाँ एक फैक्ट, फन फैक्ट, इस पे ये ग्रो नहीं हो सकते। हाँ ये ग्रो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वाले इस पे ग्रो होते हैं जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले। और हम इस पे कितना बार चले और ये आपको आसानी से किसी माइंड में मिल जाएंगे। और अब चलो बात करते हैं कुछ एक फोर, मतलब ये डेकोरेशन के लिए काम आता है, इसका नाम है फ्लावर एजालिया। तो फिर ये कुछ इस तरह से, हम ये डर्ट जैसा होता है बस, और इसके ऊपर एक के ऊपर हम नहीं रख सकते एक, ऑफकोर्स ये ऐसे फ्लावर्स बिचर, ये फ्लावर्स जैसा एक बुके सा होता है जो कि हम माइनक्राफ्ट में हमारे फ्रेंड्स को दे सकते हैं, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स को दे सकते हैं। और अगर बात करें एक और ब्लॉक की, तो है ड्रिप स्टोन ब्लॉक, जो कि बहुत ही बढ़िया है। साउंड सुनो बस आप, एक बारिश का तो मुझे हार्ड फीलिंग देता है, लेकिन ये होता तो बहुत सॉफ्ट है। और एक और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है, वो है पॉइंटेड ड्रिप स्टोन, जिसे आप यहाँ पर ऐसे कभी कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। और फिर ओके, तो हाँ इसे वैसे कहीं पर भी आप ऐसे प्लेस कर सकते हो, और बस यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया इसे, तो फिर इसे आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। रुको मैं एकदम इसे एकदम इसकी हाइट तक जाके जाके देखता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर बहुत तो भल, अरे तो भाई लोग आप लोग देखिए, यहाँ पर बहुत ऊंचा बना दिया मैंने, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप चढ़ भी सकते हो उसके ऊपर। ये देखो मैं कैसे चढ़ा, अब नीचे हो ना मैं, हाँ ये देखो। और हाँ सबसे अच्छी बात कि अगर आपको पार्टनर को, आप मतलब कोई मल्टीप्लेयर खेल रहे हो और आपका पार्टनर परेशान कर रहा है, और आपको किसी भी तरीके से अपने उस पार्टनर को यहाँ पर नीचे लेके आने का, इस ब्लॉक के नीचे, और फिर ऊपर चुपके से जाके तोड़ देना है, से कट करके नीचे गिरेगा वो, बहुत गंदा। 1 सेकंड रुको, ऐसे कुछ ऐसे काम करता है। हाँ यहाँ पर नीचे लगा जाए, अब ये कट करके नीचे जाएगा और फटाक, और उसने अगर नेदरराइट का अमर भी पहना हुआ ना तो भी मर जाएगा वो। तो फिर ये बात होगी ब्लॉक्स के बारे में। तो फिर हाँ, ये लार्ज एंटनीस बर्ड, ये बर्ड्स होते हैं जो कि एंथमिस होते हैं। इनमें तीन क्वालिटीज होती है, एक है लार्ज वाला, ये लार्ज वाला है, ये भी लार्ज वाला ही है, और ये है सबसे ज़्यादा बड़ा, मतलब ये ग्लो होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और ये मीडियम वाला भी होता है, लेकिन वो बारे में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हाँ आप अगर इसे सबसे ज़्यादा साउंडिंग प्लेस ये बोलो, ये वाला ब्लॉक है। तो भी अगर बात करें कारपेट्स के बारे में, तो फिर यहाँ पर आ चुके हैं ग्रास टाइप कारपेट, जो कि जिससे आप हम अपने फ्रेंड्स को उल्लू बना सकते हो। इसे रुको, पोपट हो रहा है मेरा, ओके ये क्या हो रहा, हाँ
हाँ एक डिस्प्ले पे नहीं, लेकिन किसी पर तो सेंड कर सकते हो ना। ओके तो फिर गाइस ये देखो, ये कुछ इस तरह के होते हैं, और इसको इसमें आपको एकदम फर्क भी नहीं दिखेगा बिल्कुल। अरे हाँ ये देखो, ऐसे एकदम ऐसे इसे आप ढक सकते हो ग्रास की तरह से, ग्रास की मदद से ऊपर एकदम सिंपल सी ग्रास दिखती है, और ऐसे भी आप इसे ढक सकते हो। बाद में इसे यहाँ पर ट्रैप डोर लगा के बस खत्म कर देना इसे काम। और ये भी आप फ्रेंड के ट्रैप के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अगर मान लो यहाँ। और अब बात करते हैं वाटर बकेट्स के बारे में। तो फिर नॉर्मली माइनक्राफ्ट में तो फिर एक होता है बकेट ऑफ लावा, जो कि हम फ्रेंड्स को ट्रैप करने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है वाटर बकेट, जो कि भगवान इस गेम में माना जाता है। तीसरा होता है बकेट ऑफ कॉल्ड, और चौथा होता है बकेट ऑफ पफर फिश। हाँ और पफर फिश हमें पॉइजन देते हैं ऑफकोर्स। और लेकिन अभी इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि अभी इसमें आ चुकी है ट्रॉफिकल फिश वाली बकेट और पफर फिश, सॉरी पफर फिश है ही। ये कौन तो ये है पफर फिश, और ये है स्नो बकेट, बकेट जिससे जिससे आप आराम से नेदर में यूज कर सकते हैं, मतलब आप उससे बच सकते हैं आई थिंक, और आपकी स्क्रीन पे ऐसे कुछ आ जाएगा। तो फिर और है बकेट ऑफ एक्सोलिट, जो कि एक बहुत ही अच्छी फिश है आई थिंक। ओके अच्छी फिश है, जो कि लैंड और पानी दोनों में भी चल सकती है, जब पानी अंदर जा अंदर। और सबसे ज़्यादा मुझे काम की लगी तो ये स्नो पाउडर स्नो बकेट, क्योंकि अगर आप किस कितनी भी ऊंचाई से गिर रहे हो, बस इसे यहाँ पर प्लेस कर दो, खत्म। में ऐसे आयरन और कॉपर के ओल्ड्स को तोड़ते तो फिर हमें मिलता है आयरन, मतलब क्या कहते हैं उसे, आयरन और मिलता है। लेकिन इस बार हमें डायरेक्टली मिलेगा एक रॉ आयरन, जिसे हम बाद में हमें उसे फर्नेस में जलाना पड़ेगा, जिससे हमें बन सक जिससे हमें मिलेगा ये आयरन इंगोट। और सिर्फ आयरन ही नहीं बल्कि गोल्ड का भी है ये फायदा। देखो ये गोल्ड, रॉ गोल्ड मिल गया, और कॉपर का भी ऐसा ही है। हाँ तो भाई बहुत ज़्यादा बातें कर ली हमने ब्लॉक्स और ब्लॉक्स, हाँ सिर्फ ब्लॉक्स के बारे में और वाटर बकेट के बारे में। तो चलो आप जानते हैं कुछ मॉब्स के बारे में नए। ये एक्सॉस्ट जो कि, और हाँ इसके बारे में फन फैक्ट है, अगर हम इसे यहाँ पर स्पॉन, ये बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो सबसे ज़्यादा प्यारे और ज़्यादातर इसे पिंक में दिखा जाता है, लेकिन इसका रेयरेस्ट कलर होता है, रेयरेस्ट कलर आई डोंट नो। अरे मार क्यों रहा है इसे, ओ हेलो, ओ हेलो जॉगलिन, हेलो जॉगलिन मारो मत, देखो यार। और हाँ इसके बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो डार्क कलर है, वाइट कलर है, गोल्डन कलर है, और ज़्यादातर ये ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं। और चलो बात करते हैं गोट के बारे में। तो फिर ये एक नई नई मतलब एक नया मॉब स्पॉन हुआ है, इसे भी आप शी है वीट देख के अट्रैक्ट कर सकते हो, और ये शीप से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस ये वूल नहीं देती, और इनके मरने पर कुछ नहीं मिलता हमें सिवाय एक्सपी के थोड़े बहुत, जो कि एक एक्सपी के भी बराबर नहीं होते। और ना ये देखो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे फिशेस, लेकिन बस मुझे एक बात जानने, क्या क्या वो हमें सर्वाइवल में अटैक करती हैं। अब बात करते हैं हम कुछ चमकती धमकती चीज़ों के बारे। अरे सॉरी सॉरी इसके एक्सपी क्या, ओ या ये इसके बहुत ज़्यादा एक्सपी होती है आई थिंक इस पर, आई थिंक मुझे और स्पॉन करने से, एक सेकंड रुको, बहुत ज़्यादा स्पॉन करूँगा मैं यहाँ पर, पूरा भर दूंगा इस तालाब को इससे। इससे ब्रीड कैसे करता है आई डोंट नो, मुझे बस पता ही है, मतलब पसंद है। ग्लो के बारे में बात करते हैं तो फिर हमारे पास एक नई ग्लो बेरी, जिससे खाने के बाद हमें कुछ नहीं होगा, बस नॉर्मली एक्सपी बढ़ेगी, एक्सपी मतलब हेल्थ बढ़ेगी, और 4 से 5 की बढ़ेगी। तो यार आओ यार बात करते हैं ग्लो सैक के बारे में, जो कि वाटर में स्पॉन होते हैं और बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और रेयर तो उन्हें बना दिया गया है एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स की तरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम ही दिखाई पे देते हैं। हाँ लेकिन आपको ओशन में भरी हुई तादाद पे मिलेंगे, और इन्हें मारने पे हमें मिलता है ग्लो इंक सैक, जिससे हम बना सकते हैं एक ग्लो आइटम फ्रेम, जो कि हम नॉर्मली कहीं पर भी लगा सकते हैं, और ग्लो होती है बहुत अच्छी, और ये इमेज में भी मतलब देखो ये ऐसे लुक में बहुत अच्छी है।
ऐसे लगता है कि इसे रॉयल यहाँ पर कोई बेस है नीचे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं हम सबको पता है ये। और हाँ एक और एक बात, रुक जाओ। और हाँ आपको एक और टिप देता हूँ, अगर आप माइनक्राफ्ट क्रिएटिव मोड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डिग डाउन करना चाहते हो तो फिर एक चैक लगा देता हूँ मैं आपको, बस छलांगे मारना है आपको, एक ब्लॉक तोड़ना है उस पर जाना है, दो ब्लॉक तोड़ना है, बस छलांगे मार के पकड़ना और ऐसा धड़ाम। देखा आप ऑटोमेटली मतलब ऐसे एकदम ज़्यादा फास्ट माइंड करते हैं। हाँ ये भी एक बहुत ही ज़्यादा नया है जिसे हम शेयर से तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में बात करने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ भाई मैं वाइड में आ गया गाइस, चलो ऊपर चलो भाई, सर्वाइवल में गया तो मर जाऊंगा। ऊपर ऊपर, अरे मैं सब सब पे स्पॉन करने वाला हूँ, ये हंसी तो मुझे भी आ रही है लेकिन क्या करूँ। गाइस आपको जो कॉपर मिलता है उससे आप बना सकते हो ये क्या कहते हैं उसे, हाँ स्पाई ग्लास, जिससे आप दूर तक देख सकते हो अगर आप पॉकेट एडिशन खेलते हो बिल्कुल मेरी तरह, और बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। जैसे फॉर सपोज आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पेड़ पे हो और आप आपका घर ढूंढ रहे हो आप, या फिर विलेज ढूंढ रहे हो, आई डोंट नो क्या क्या ढूंढ रहे हो आप, लेकिन हाँ यहाँ पर बस आपको मिल जाएगा वो। एकदम कते शहर वाली फीलिंग आती है, मतलब यहाँ से आप दूर दूर तक देख सकते हो। आप देखो आप तो रेंडर नहीं हो रहा ना, मैं ऑटोमेटिकली जूम करके देख सकता हूँ, इतना पास से मतलब इतना यहाँ तक देख सकता हूँ मैं, ये देखो ऐसे, और यहाँ से कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही स्पाइक ग्लास ओपन करे एकदम फ्रीली दिखता है। अब गाइज मैं मेरे प्यारे से मॉब एक्जोलिया को ढूंढ रहा हूँ जो कि पता नहीं कहाँ चला गया है। अब मैं स्पाई ग्लास ओपन करके देखूंगा कहाँ पर है वो, मुझे पता है स्पाई ग्लास से मिल ही जाएगा वो, देखो सामने। ओ मुझे मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, वो देखो सामने स्पाइक, क्या कहते हैं उसे, एक्सोल, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, बस पता है। और हाँ इस ये बस बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है क्योंकि हम दूर दूर तक आसानी से देख सकते हैं। ओ यहाँ पर भी स्पॉन करके रख। तो चलो गाइस इस छोटे से वीदियो के लिए इतना काफी, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर टू लीव अ लाइक सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।